आज के इस वीडियो में बात करने वाले गाइस साउथ अफ्रीका और साथ में इंडिया के बीच ओडीआई का सेकेंड मुकाबला खेला जाएगा। तो गाइस पिछले मैच में बात करें तो साउथ अफ्रीका टीम ने ओनली 117 रन के अंदर ही अपना सारा विकेट फेंक दिया था। क्या इस मैच में फिर से साउथ अफ्रीका उसी प्रकार से ऑल आउट होगा या कुछ डिफरेंट पिच होने वाला है जिसके बदौलत क्या की साउथ अफ्रीका इस वेन्यू पर हाई स्कोरिंग करने का चांसेस रहेगा। अब देखो ये वेन्यू अलग रहने वाला है, इसका पिच रिपोर्ट सबसे अलग रहने वाला है। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हो तो इस वीडियो में आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कौन कौन सा खिलाड़ी इस पिच के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है, कौन कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है, किसे कैप्टन बनाना है, किसे वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करना है, एक एक प्लेयर्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप भी सोच रहे हो मेगा ग्रैंड लीग को विन करना, मेगा ग्रैंड लीग में अच्छे रैंक को लाना, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो में क्लियरली पता लग जाएगा कि मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा खिलाड़ी इंपोर्टेंट पिक होने वाला है। उससे पहले जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर देना ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो गाइस देखो ये जो ओडीआई का सेकंड मुकाबला खेला जाएगा, ये मुकाबला खेला जाएगा सेंट जॉर्ज पार्क में, ये मुकाबला को खेला जाएगा। अब देखो 19 दिसंबर को मुकाबला होगा, इसका टाइमिंग तो शाम 4:30 में ये मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा। साथ में अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, टेलीग्राम चैनल पर बने बनाया हुआ टीम आपको देखने को मिलेगा टॉस होने के बाद। अब देखो टॉस कब हो जाएगा, ये जो मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा 4:30 में ये मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा, लेकिन टॉस कब हो जाएगा 4 बजे ये क्लियरली कि टॉस हो जाएगा। अब देखो टॉस होने के बाद ही यानी 5 मिनट बाद ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बने बनाया हुआ टीम प्रोवाइड कर देता हूँ, यानी जिस टीम से मैं विन करता हूँ, जिस टीम से मैं लाखों विन करता हूँ, सेम वही टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। और साथ में टेलीग्राम चैनल पर फाइनल टीम, फाइनल पिच रिपोर्ट, मैच से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है टाइम टू टाइम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक 2 जगह पर मिल जाएगा, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये जो वीडियो देख रहे हो इस वीडियो के नीचे सिंपली आपको एक मोर का आइकन मिलेगा। जब आप मोर के आइकन पर क्लिक करोगे तो ऊपर में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो सिंपली क्या करना कमेंट बॉक्स में जाना, दूसरा लिंक आपको कहां पर मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जाओगे, इस लिंक पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे जहां से आपको फाइनल टीम, फाइनल पिच रिपोर्ट यानी मैच से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता टाइम टू टाइम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। तो फटाफट से क्या कर लेना टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं बैनू के अकॉर्डिंग, बैनू पर आ जाए तो बैनू पर टोटल जो मैच खेला गया 41 मैच खेला गया ओडीआई फॉर्मेट का, जिसमें बैटिंग फर्स्ट डाउन करने वाले टीम ने 20 मुकाबला को विन किया, बैटिंग सेकेंड डाउन करने वाले टीम ने 21 मुकाबला को विन किया। यदि स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो बैनू पर 200 रन का स्कोरिंग 8 बार है, 200 और साथ में 249 के बीच में स्कोरिंग 17 बार, 249 और 299 के बीच में स्कोरिंग 12 बार बना। अब आ जाता है बैनू पर 300 के ऊपर, तो बैनू पर देखो 4 बार बना। अब इससे क्लियरली ये समझ लो कि साउथ अफ्रीका टीम हो या यहाँ पर से टीम इंडिया हो, सबसे ज्यादा एडवांटेज रहेगा जब टीम इंडिया फर्स्ट डाउन बैटिंग करेगा तो आपको 300+ स्कोरिंग देखने को मिल जाएगा। वैसे देखो इस बैनू पर साउथ अफ्रीका टीम भी बड़े तगड़े स्कोरिंग करने की चांसेस रहेगा, 290 तो आपको बड़े आसानी तरीके से साउथ अफ्रीका टीम भी फर्स्ट डाउन करता तो आपको इतना स्कोरिंग देखने को मिल जाएगा। एवरेज स्कोर 227+ का एवरेज स्कोर रहने वाला, हाईएस्ट स्कोर इस वेन्यू पर पाकिस्तान टीम ने 335 का बनाया, लोएस्ट स्कोर की बात करें तो न्यूजीलैंड टीम ने बनाया 112 का। पिच जो होने वाला है बायलेंसर के साथ साथ इस पिच पर पेसर्स बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा एडवांटेज रहता। अब देखो इस वेन्यू पर जो रीसेंट मैच खेला गया है इससे आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि कितना पेसर्स बॉलर्स को विकेट मिलता और साथ में कितना स्पिनर्स बॉलर्स को विकेट मिलता, क्या स्कोरिंग रहने वाला। 13 मार्च 2019 को श्रीलंका और साथ में साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया जिसमें श्रीलंका टीम ने पूरे 10 विकेट पर 39.2 ओवर में 179 रन का स्कोरिंग किया है। अब देखो यहाँ पर से साउथ अफ्रीका टीम के अकॉर्डिंग आ जाए तो 190 रन बनाकर के यह मैच को विन किया। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 7 विकेट मिला, स्पिनर्स बॉलर्स को 2 विकेट मिला। यदि सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 1 विकेट और साथ में स्पिनर्स बॉलर्स को
तीन विकेट मिला। 19 जनवरी 2019 को साउथ अफ्रीका और साथ में पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका टीम ने 50 ओवर में 2 विकेट पर 266 रन का यहां पर स्कोरिंग किया। फिर यहां पर से पाकिस्तान टीम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो चेस करते हुए 500 विकेट पर पाकिस्तान टीम ने 267 रन बना करके यह मुकाबला को विन किया। अब देखो इंडिया और साथ में यहां पर से साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया था 13 फरवरी 2017 को, जिसमें इंडिया टीम ने फर्स्ट डाउन बैटिंग करते हुए 274 रन का सेमीसी वेन्यू पर स्कोरिंग किया। अब साउथ अफ्रीका टीम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो 201 रन का ओनली स्कोरिंग कर पाया। फर्स्ट इनिंग में पेसर्स बॉलर्स को 5 विकेट, स्पिनर्स बॉलर्स को 0 विकेट मिला। सेकेंड इनिंग में आ जाते हैं तो पेसर्स बॉलर्स को 3 विकेट और स्पिनर्स बॉलर्स को 6 विकेट मिला। यदि इस वेन्यू के अकॉर्डिंग पिछले 3 ODI फॉर्मेट में देखते तो पेसर्स बॉलर्स को 21 विकेट पिछले 3 मैच में ODI में और स्पिनर्स बॉलर्स को ओनली 13 विकेट मिला। तो इससे आप क्लियरली देख लो काफी ज्यादा जो एडवांटेज रहता, काफी ज्यादा जो आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएगा वह पेसर्स बॉलर्स आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। स्पिनर्स बॉलर्स में बता दूं तो देखो जो भी क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर्स होगा वह स्पिनर्स बॉलर्स विकेट निकालते हुए दिख जाएगा। जैसे क्वालिटी में आगे आपको बताएंगे कुलदीप यादव और साथ में केशव महाराज या यहाँ पर से तबरेज शमसी, ये तीनों में से कौन सा स्पिनर्स बॉलर्स को अपने टीम में लेकर के चलना है। अब आ जाते हैं दोनों टीम के बीच हेड टू हेड में बात करें तो दोनों टीम के बीच हेड टू हेड में जो मुकाबला खेला गया 92 मुकाबला खेला गया, जिसमें साउथ अफ्रीका टीम ने 50 मुकाबला को विन किया तो वही टीम इंडिया ने 39 मुकाबला को विन किया। यदि साउथ अफ्रीका टीम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं पिछले 5 ODI मैच में तो पिछले 5 ODI मैच में 2 मुकाबला विन किया, 3 मुकाबला लॉस्ट करते हुए आरा। वही टीम इंडिया के अकॉर्डिंग आ जाते पिछले 5 ODI मुकाबला में तो 1 मुकाबला लॉस्ट किया, 4 मुकाबला पिछले 5 मैच में कंटिन्यू विन करते हुए आ रहा है। अब देखो हम सबसे पहले जानेंगे साउथ अफ्रीका की तरफ से प्लेइंग 11 टीम इस मैच के लिए क्या रहने वाला है। देखो इस मैच में आपको रिजा हेंड्रिक्स और साथ में टोनी डी जॉर्जे ये दोनों खिलाड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएगा। फिर यहां पर से राशि वेंडर दूसरा आ जाते हैं, एडम मार्करम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर। फिर यहां पर से देखते थे बिलन मुंडर आ जाते हैं, एंडिल फ्लेकवायो, केशव महाराज, उसके बाद तबरेज शमसी, साथ में यहां पर से देखते तो एन बर्जर, जो कि कुछ इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की तरफ से ये प्लेइंग 11 टीम रहेगा। अब देखो ये जो देख रहे हो, ये जो 11 खिलाड़ी देख रहे हो, यदि इसमें जो भी चेंजेस होगा फाइनल प्लेइंग 11 टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉस होने के बाद जो फाइनल प्लेइंग 11 टीम होता है, फाइनल टीम होता है, सारा कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। अभी फिलहाल देख लेते कि साउथ अफ्रीका की तरफ से ये खिलाड़ी में से कौन कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है, कौन कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम में ले करके चलना है। सबसे पहले हम लोग यहां पर से बात करेंगे रिजा हेंड्रिक्स के बारे में। रिजा हेंड्रिक्स के अकॉर्डिंग आंसर तो ODI फॉर्मेट में देखते हैं तो 32 मुकाबला खेल करके 28 के एवरेज से रन बना रहे हैं। वही टीम इंडिया के सामने आ जाए तो 3 मुकाबला खेल करके टीम इंडिया के सामने 77 रन है, 25 का एवरेज से रन बनाते हैं। बैनू पर बात करें तो बैनू पर 2 मुकाबला खेल करके 53 रन बनाए और साथ में 26 का एवरेज से रन बनाते हुए देख रहे हैं। पिछले मैच में देख लेते हैं रिसेंट फॉर्म में तो 0-12 रन का स्कोरिंग, 85, फिर यहां पर 28 और साथ में 39 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। यदि पिछले 5 मैच में देखा जाए तो 1 मैच में हाई स्कोरिंग रन देखने को मिला 85 का, इधर देखते 28, फिर यहां पर 39 और 12 और 0 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। देखो इस मैच में आप रिजा हेंड्रिक्स को पिक करके चलना क्योंकि फर्स्ट डाउन ये बैटिंग करते हुए देखते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा, इनके पास काफी ज्यादा अनुभव है। बात करें बैनू पर या हेड टू हेड में टीम इंडिया के सामने भी बैटिंग करना पसंद करते हैं तो क्लियरली कि मेगा ग्रैनली के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी होने वाला है, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करूं तो बहुत कम लोग ही अपनी टीम में पिक करके जा रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इस मैच में कम से कम आपको 50+ रन स्कोरिंग करते हुए देखे जाएंगे तो आप अपने टीम में पिक करके चलना, आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। अब देखो यहां पर से टोनी डी जॉर्जी के अकॉर्डिंग आंसर तो ODI में 3 मुकाबला खेल करके 25 का एवरेज है। यदि हेड टू हेड में बात करें तो 1 मुकाबला खेल करके पिछले मैच में ओनली 28 रन पर ही अपना विकेट फेंक करके गए। रिसेंट फॉर्म में 28, 21 और 27 रन का स्कोरिंग देखने को मिला। देखो न्यू बल्लेबाज है क्योंकि इनके पास इंटरनेशनल मैच की बात करोगे तो उतना कुछ खास अनुभव नहीं, लेकिन पिछले मैच के अकॉर्डिंग आ जाओ तो पिछले मैच में 28 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे। चाहते हो टीम में पिक करना तो पिक करके जा सकते हो, नहीं तो आप अपने टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर से बात करेंगे राशि वेंडर
रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग एज अ। अब देखो इनका बात करें तो कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी इस मैच में बहुत कम लोग ही अपने टीम में कैप्टन हो या वाइस कैप्टन पिक करके जा रहे हैं, क्योंकि पिछले मैच में ओनली 0 रन पर अपना विकेट पिक करके गए। बट ये बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाज है जो इस मैच में आपको सबसे हाई स्कोरिंग साउथ अफ्रीका की तरफ से करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया के सामने देखते हो ना तो टीम इंडिया के सामने 63 के एवरेज से रन बनाते हैं। यदि ओडीआई फॉर्मेट में बात करें तो ओडीआई फॉर्मेट में 54 के एवरेज से रन बना रहे। बैनू के अकॉर्डिंग ऐसा तो बैनू पर भी काफी ज्यादा अनुभवी एक मैच है और साथ में 93 रन का स्कोरिंग है। रिसेंट फॉर्म काफी जबरदस्त का है, पिछले दो मैच में इनके बल्ले से रन नहीं देखने को मिला, पिछले मैच में तो ओनली 0 रन पर अपना विकेट फेंक करके गए। इधर देखो 76-13 फिर यहाँ पर से 133 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो टीम में पिक करके चलना है, कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी चाहते हो बनाना काफी ज्यादा सेफ रहेगा। कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए मोस्ट पिक रहेगा, आप अपनी टीम के लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना करके जा सकते हो। फिर एडम मार्करम के अकॉर्डिंग ऐसा है तो 66 मैच और साथ में 36 का एवरेज से रन बनाते हैं, 17 विकेट निकाले। अब देखो विकेट की बात करें तो इनसे आप विकेट से उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये बॉलिंग बहुत ही कम करते हुए दिखेंगे। वैसे भी टीम इंडिया के सामने 14 मुकाबला खेले करके 22 के एवरेज से रन बनाते हैं, ओनली 2 ही विकेट निकाले। यदि एवरेज और साथ में विकेट की बात करें तो कुछ खास नहीं टीम इंडिया के सामने। बैनू के अकॉर्डिंग आ जाते हैं 2 मैच 61 रन 30 का एवरेज है, बॉलिंग नहीं किए पर वही रिसेंट फॉर्म में 12 फिर यहां पर से 10 रन 1 विकेट 25 रन 0 विकेट 9 रन 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। यदि ओडीआई फॉर्मेट में एडम मार्करम की बात करोगे तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास प्रकार का नहीं है, तो आप अपनी टीम से ड्रॉप करके जा सकते हो। वैसे बहुत सारा लोग अपनी टीम में पिक करें, लेकिन देखो पिक करने से पहले आप देख लो हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड है, रिसेंट फॉर्म क्या, तब जाकर के आप मेगा ग्रैंड लीग विन करते हो। तो देखो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप एडम मार्करम को चाहते हो ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप भी करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडिया के सामने हर हमेशा फ्लॉप जाते हैं। ओनली 22 का एवरेज है, 2 विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म पिछले 5 मैच में देखते तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास प्रकार का है नहीं। फिर बात करेंगे यहां पर से हैंडी क्लासन का, हैंडी क्लासन के अकॉर्डिंग आज है तो ओडीआई में 52 मुकाबला खेले करके 40 का एवरेज है, हेड टू हेड में 9 मुकाबला खेले करके टीम इंडिया के सामने 36 का एवरेज से रन बना रहे हैं। बैनू पर 2 मुकाबला 39 रन, बैनू पर भी कुछ खास नहीं, रिसेंट फॉर्म में आ जाए तो 6-47 फिर यहाँ पर से 0-1 फिर यहाँ पर से 15 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। वैसे देखो चाहते हो टीम में ट्राई करना तो आप अपनी टीम में हैंडी क्लासन को पिक करके जा सकते हो, ये कन्फर्म रहेगा कि इस मैच में आपको 35-40 रन स्कोरिंग करते हुए दिखेंगे, विकेट कीपर अगेंस्ट से आते हैं तो टीम में पिक करके जा सकते हो। डेविड मिलर की बात करें तो मेगा ग्रैंड लीग के लिए मोस्ट पिक रहेगा, आप डेविड मिलर को पिक करके चलना आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट में 42 के एवरेज से रन बनाते हैं। टीम इंडिया के सामने भी ठीक ठाक है, 27 मुकाबला 503 रन बनाए फिर यहां पर से 25 का एवरेज से रन बनाते, लेकिन बैनू पर आ जाते तो 7 मुकाबला खेले के 268 रन और एवरेज तो 134 का एवरेज से बैनू पर रन बना रहे हैं। रिसेंट फॉर्म में 2-101-24 फिर यहाँ पर से 11 और साथ में 53 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो डेविड मिलर को मेगा ग्रैंडलिंग में सबसे अलग और सबसे यूनिक कैप्टन या वाइस कैप्टन का ट्राई करना चाहते हो तो अपनी टीम के लिए डेविड मिलर को कैप्टन या वाइस कैप्टन बना करके जा सकते हो, और आपके लिए मोस्ट पिक रहेगा, एडवांटेज रहेगा, सबसे अलग और सबसे यूनिक कैप्टन और वाइस कैप्टन डेविड मिलर होगा। तो यही बोलूंगा कि आप डेविड मिलर को लेकर के जा सकते हो मेगा ग्रैंड लीग की टीम में, आप अपने टीम में पिक कर लेना, क्योंकि हेड टू हेड में 25 का एवरेज है, ओडीआई फॉर्मेट में 42 का, बैनू पर आ जाते तो बैनू पर 134 के एवरेज से रन बनाते हुए दिख रहे हैं। फिर यहां पर हम लोग बात करेंगे मुल्लर के अकॉर्डिंग ऐसा है, तो देखो यहाँ पर से देख लेते हैं डब्लू मुल्लर का, तो ओडीआई में 13 मैच 11 के एवरेज, साथ में यहाँ पर से 11 विकेट, हेड टू हेड में टीम इंडिया के सामने 1 मैच खेले करके 1 विकेट निकाले, बैनू पर 1 भी मुकाबला नहीं, रिसेंट फॉर्म में 0 रन और साथ में 1 विकेट 2 रन और 1 विकेट 5 रन 1 विकेट 17 रन 0 विकेट फिर यहाँ पर से 0-0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अब देखो इधर तो इनके बारे में कुछ खास नहीं, क्योंकि रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाते हो तो रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं, 1 विकेट से ज्यादा नहीं मिल रहा, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा ड्रॉप करके भी जा सकते हो। फिर यहाँ पर से एंडिल फ्लेक वायु आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी काफी अच्छा खासा करते हुए दिख जाएंगे, तो बॉलिंग और साथ में बैटिंग दोनों से एडवांटेज रहेगा, तो क्लियरली कि टीम में ले करके चलना है। यदि यहां पर से एंडिल फ्लेक वायु के बारे में जान ले तो ओडीआई में 78 मुकाबला खेल करके 25 के एवरेज से रन बना रहे, साथ में 91 विकेट निकाले, हेड टू हेड में आ जाए तो 12 मुकाबला खेले करके 20 का एवरेज है, 11 विकेट है। वही बैनू के अकॉर्डिंग आ जाते तो बैनू पर 5 मुकाबला खेले करके 0 रन और 3 विकेट निकाले, रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाए 33 रन 1 विकेट, पिछले मैच में 33 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। फिर यहां पर से 1 विकेट निकाले, 39 रन 1 विकेट, 38 रन 1 विकेट, फिर यहाँ पर से 1 रन 1 विकेट और 5 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। रिसेंट फॉर्म काफी जबरदस्त का,
तो आप अपने टीम में एंडिल फ्लेगबॉय को पिक कर लेना, आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, बॉलिंग भी करेंगे और साथ में बैटिंग भी करते हुए दिख जाएंगे। फिर तबड़े शमसे की बात करें तो ओडिया में 42 मुकाबला खेले करके 52 विकेट है, हेट वेड में 7 मुकाबला खेले करके 5 विकेट, बैन पर आ जाते हैं तो एक भी मुकाबला नहीं, रीसन फॉर में 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, फिर यहाँ पर से 1 विकेट और 4 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। रीसन फॉर्म के अकॉर्डिंग आ जाओ तो अभी देखा जाए तो फिलहाल 4 विकेट, फिर यहाँ पर से 2 विकेट, पिछले मैच में 0 विकेट, 1 विकेट और साथ में 1 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। वैसे देखो क्वालिटी के स्पिनर्स बॉलर्स में बात करोगे तो मैं आपको क्लियरली बता दूं तो क्वालिटी का जो स्पिनर्स बॉलर्स वो तबड़े शमसे, क्योंकि इनका बॉलिंग स्टाइल लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलिंग है। अब देखो जो भी चाइना मैन बॉलर्स होगा, जैसे टीम इंडिया की तरफ से आपको कुलदीप यादव दिख जाएंगे, तो कुलदीप यादव भी आपको विकेट निकालते हुए दिखेंगे, तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप यहां पर से केशव महाराज की जगह पर अपने टीम में तबड़े शमसी को पिक करके जा सकते हो, क्योंकि रीसेंट फॉर्म कहीं ना कहीं देखा जाए तो केशव महाराज से काफी अच्छा खासा तबड़े शमसी का। अब टीम इंडिया के सामने 8 मुकाबला खेले करके 6 विकेट है, बैन पर 3 मुकाबला खेले करके 4 विकेट है, रीसेंट फॉर्म में 2 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट, साथ में यहाँ पर से 2 विकेट, ओडीआई फॉर्मेट का कंटिन्यू विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा यदि स्पिनर्स बॉलर्स में लेना चाहते हो तो क्वालिटी का स्पिनर्स बॉलर्स तबड़े शमसी है, आप अपने टीम में पिक कर लेना। फिर यहाँ पर से हम लोग बात करेंगे एन बर्जर के बारे में, इनके अगेंस्ट आ जाए तो ओडीआई में 1 मुकाबला खेले करके 0 विकेट है, बैन पर 1 मुकाबला खेले करके 0 विकेट, बैन पर 1 भी मुकाबला नहीं, यदि बात करते हैं यहां पर से रीसेंट फॉर्म में तो 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं, पिछले मैच में इनको मौका मिला, देखो इस मैच में हो सकता तो इनको रेस्ट भी दिया जाएगा क्योंकि न्यू प्लेयर से। अब देखो यहां पर से कोई भी युवा बॉलर्स रहेगा तो एक आध मैच में यदि ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं करता तो आने वाले अगला मैच में ये आपको बेंच प्लेयर में दिखाई देते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखो यहां पर से बेंच प्लेयर्स में बात करोगे तो कुछ इस प्रकार से बेंच प्लेयर रहेगा, आप खुद देख लो यदि इसमें जो भी चेंज होगा, जो भी चेंजेस होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर टॉस होने के बाद फाइनल प्लेइंग 11 टीम बताई दूंगा कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा कौन सा खिलाड़ी नहीं खेलेगा। अब आ जाते हैं यहां पर से प्लेयर्स बैटल की बात कर ले तो प्लेयर्स बैटल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेयर्स बैटल रीजा हेंड्रिक्स का। रीजा हेंड्रिक्स के अकॉर्डिंग ऐसा है तो कुलदीप यादव के सामने 18 ओवर खेले और 19 रन बनाए, साथ में 0 बार विकेट फेंके। आवेश खान के सामने 28 बॉल खेले के 12 रन बनाए, 0 बार विकेट फेंके। अर्शदीप सिंह के सामने 2 बॉल खेले के 0 रन बनाए, 1 बार अपना विकेट फेंक करके गए। बात करें एडम मार्करम की तो केशव महाराज के सामने 27 बॉल खेले के 11 रन और साथ में 1 बार विकेट है। आवेश खान के सामने 3 बॉल खेले के 3 रन और साथ में यहां पर से 1 बार विकेट फेंके। अब बात कर ले यहां पर से राशि वेंडर दूसन का तो अर्शदीप सिंह के सामने आ जाते हैं तो 1 बॉल खेले के 0 रन बनाए और साथ में 1 बार विकेट फेंके। डेविड मिलर की बात करें तो यहां पर से कुलदीप यादव के सामने 26 बॉल खेले के 23 रन बनाए, 0 बार विकेट फेंके। आवेश खान के सामने 2 बॉल खेले के 1 रन बनाए, साथ में यहां पर से 1 बार अपना विकेट फेंके। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो क्योंकि ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, जब आप टीम बनाओगे, जब आप टीम क्रिएट करेगे तो इसमें आपके लिए प्लेयर्स बैटल एडवांटेज रहेगा कि कौन बॉलर्स कौन सा बैटर्स को कितने बार आउट किया, ये देख करके टीम बनाते हो तो और आप बेहतरीन से बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। अब आ जाते हैं टीम इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 टीम देख ले तो टीम इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 टीम में देखो साई सुदर्शन और साथ में यहाँ पर से ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए दिखेगा। फिर देखो श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, देखो इस मैच में श्रेयस अय्यर आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। इस मैच में बात करोगे ना तो भाई इस मैच में यहाँ पर से आर पाटीदार को, रजत पाटीदार को मौका दिया जाएगा श्रेयस अय्यर की जगह पर, यह समझ लो इस मैच में क्लियरली कि श्रेयस अय्यर नहीं खेलते हुए दिखेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। फिर यहाँ पर से तिलक वर्मा आ जाते हैं, के लाल, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, आवेश खान, अर्शदीप सिंह, साथ यहां पर से मुकेश कुमार, जो कि कुछ इस प्रकार से टीम इंडिया की तरफ से प्लेइंग 11 टीम रहेगा। अब टीम इंडिया की तरफ से एक एक प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। अब देखो बात करते हैं यहां पर से साई सुदर्शन का तो साई सुदर्शन के अकॉर्डिंग ऐसा है तो ओडीआई में 1 मुकाबला खेले के पिछले मैच में 55 रन बनाए, हेट वेड में 1 मुकाबला 55 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं, रीसेंट फॉर्म में फिर यहां पर से 55 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। तो देखो आप अपने टीम में लेकर के चलना युवा बल्लेबाज है और ये जो बल्लेबाज है काफी पेशेंस के साथ बैटिंग करते हैं, क्लियर दिए कि अपना विकेट जल्द नहीं फेंक करके जाएंगे, इनके बल्ले से रन देखने को मिलेगा। इस मैच में भी 40 प्लस रन बनाते हुए दिखेंगे। देखो कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी के लिए उतना कुछ खास एडवांटेज नहीं रहेगा लेकिन टीम में पिक करना है।
ऋतुराज गायकवाड़ के अकॉर्डिंग आशा है ओडिया में 5 मुकाबला 22 का एवरेज, हेड टू हेड में 2 मुकाबला 12 का एवरेज है। बैनू पर आशा है, बैनू पर एक भी मुकाबला नहीं। रीसन पर में 5-8 पिछले 2 मैच से फ्लॉप जा रहे, 1 मैच में 71 रन देखने को मिला, फिर यहाँ पर से 8 और साथ में 19 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे। वैसे चाहते हो टीम में पिक करना तो टीम में पिक करके जा सकते हो। तिलक वर्मा के अकॉर्डिंग आशा है तो ओडीआई में 2 मुकाबला खेले के 6 रन बनाए, हेड टू हेड में 1 मुकाबला खेले के 1 रन, फिर यहाँ पर से बैनू पर आ जाते हैं तो बैनू पर 1 भी मुकाबला नहीं। रीसन पर में 0 और साथ में 5 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। बात कर ले केएल राहुल का तो ओडीआई में 73 मुकाबला खेले के 50 का एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में आ जाते हैं तो हेड टू हेड में 22 का एवरेज है। वही बैनू के अकॉर्डिंग आशा है तो बैनू पर देख ले तो बैनू पर 1 भी मुकाबला नहीं। रीसेंट फॉर्मेट 66 साथ में यहाँ पर 39 102 और 8 रन का स्कोरिंग देखने को मिला। यदि केएल राहुल की रीसेंट फॉर्म की बात करूँ तो रीसेंट फॉर्म काफी जबरदस्त का, इस मैच में कन्फर्म है कि आप अपनी टीम में केएल राहुल को ले करके चलना। यदि टीम इंडिया फर्स्ट डाउन बैटिंग करता तो मेगा ग्रैंडलिंग में कैप्टन नहीं, लेकिन आप अपनी टीम के लिए वाइस कैप्टन भी पिक करके जा सकते हो। फिर बात करें संजू सैमसन का, संजू सैमसन के अकॉर्डिंग आशा है तो ओडीआई में 14 मुकाबला खेलर के 55 के एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में 4 मुकाबला खेलर के 118 रन है। रीसेंट फॉर्म में पिछले मैच में तो ये बैटिंग करते हुए नहीं दिखे क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला, 51-9-36 फिर यहां पर से 2 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहे हैं। रिंकू सिंह की बात करें तो 12 मुकाबला खेलर के 65 के एवरेज से रन बना रहे, हेड टू हेड में आ जाते हैं 1 भी मुकाबला नहीं, बैनू पर 1 भी मुकाबला नहीं। रीसेंट फॉर्म में 14-68-6 फिर यहाँ पर से 46 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। अब देखो रीसेंट फॉर्म की बात करें तो ओडीआई मैच अभी तक 1 भी नहीं खेले, लेकिन आप अपने टीम में पिक करके चलना। ये बल्लेबाज काफी कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग करते हुए दिखते हैं, जब भी बैटिंग करेंगे वैसे ओडीआई का मुकाबला है तो समझ लो 40+ रन आपको स्कोरिंग करते हुए दिखेंगे, काफी अच्छा खासा रन बनाएंगे तो टीम में पिक कर लेना। फिर यहाँ पर से बात करते हैं अक्षर पटेल का, अक्षर पटेल के अकॉर्डिंग आशा है तो ओडीआई में 55 मुकाबला खेले के 20 का एवरेज है, 59 विकेट है। हेड टू हेड में बात कर ले तो 5 मुकाबला खेले के 18 का एवरेज है, 5 विकेट है। बैनू पर आशा है 1 भी मुकाबला नहीं। रीसेंट फॉर्म में 42 रन 1 विकेट, 26 रन 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 2 रन और साथ में यहाँ पर से 0 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अब बात करोगे तो अक्षर पटेल का, तो अक्षर पटेल के अकॉर्डिंग आशा है तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि अक्षर पटेल की जगह पर आप कुलदीप यादव को लेकर के चलना। देखो आप इनसे बॉलिंग से उतना कुछ ये उम्मीद मत रखना कि ये काफी ज्यादा विकेट निकाल करके जाएंगे, लेकिन बैटिंग का मौका मिलेगा तो बैटिंग से 35 से 40 या 30 रन स्कोरिंग करते हुए दिखेंगे। बॉलिंग करेंगे तो एक आध विकेट मिलेगा, अन्यथा उतना कुछ खास विकेट की उम्मीद मत रखना। पिछले मैच में देखते हो तो इनको ना ही बॉलिंग मिला और ना ही बैटिंग मिला, क्योंकि यहां पर से देखो पिछले मैच में इनको बॉलिंग का मौका ही नहीं मिला क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम ने ओनली 117 रन पर ही अपना सारा विकेट फेंक दिया था। अब बात करें कुलदीप यादव का, तो ओडीआई में 102 मुकाबला खेले करके 168 विकेट, हेड टू हेड में 12 मुकाबला खेले करके 27 विकेट। देखो हर हमेशा साउथ अफ्रीका के सामने विकेट निकालते, पिछले मैच में भी देख ले तो यहाँ पर से कितना विकेट निकाले, 1 विकेट। बैनू पर आ जाओ तो काफी ज्यादा अनुभव है, 1 मुकाबला खेले के बैनू पर 4 विकेट निकाले। देख लो बैनू पर इनके पास एक्सपीरियंस है, वो भी ओडीआई का मुकाबला काफी लॉन्ग टाइम तक के चलता, 10 ओवर ये अपना पूरा बॉलिंग कर दे तो भाई 3 विकेट समझ लो कन्फर्म है, 3 विकेट तो आपको निकालते हुए दिख ही जाएंगे लेफ्ट आर्म चाइना मेन बॉलर से। इसलिए मैं आपको साउथ अफ्रीका की तरफ से सजेशन किया था कि आप अपने टीम में तबरेज़ शम्सी को पिक कर लेना केएसआर महाराज की जगह पर, और साथ में टीम इंडिया के अगेंस्ट आ जाए तो मैं आपको यही बोलूंगा अक्षर पटेल की जगह पर आप अपनी टीम में कुलदीप यादव को लेकर के चलना, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर से बात करेंगे अवेश खान का, अवेश खान के अकॉर्डिंग आया है पिछले मैच में 4 विकेट निकाले, पिछले मैच की बात करोगे तो 4 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। ओडीआई में 6 मुकाबला 7 विकेट, हेड टू हेड में 4 मुकाबला खेले करके 4 विकेट, रीसेंट फॉर्म में 0 विकेट 0 विकेट, फिर यहां पर से 0 विकेट, 3 विकेट निकालते हुए दिख रहे हैं। अब देखो इस मैच में कितना विकेट मिल सकता है इनको, तो इस मैच में 1-2 विकेट। अवेश खान के बारे में आपको बता दूं तो 1-2 विकेट, उससे ज्यादा विकेट नहीं मिलेगा, लेकिन अर्शदीप सिंह अवेश खान की अपेक्षा काफी ज्यादा आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएगा क्योंकि इनके पास क्या है कि बॉलिंग अटैक की बात करूं काफी ज्यादा पेस बॉलिंग करते हैं, यॉर्कर भी मारते हैं जिसके कारण कोई भी बल्लेबाज बॉल को नहीं पढ़ पाते और साथ में अपना विकेट फेंक करके जाते हैं। तो मैं आपको इनके बारे में बता दूं तो 3 विकेट तो ये क्लियरली निकालते हुए दिख ही जाएंगे। अब बात कर दो ओडीआई में 4 मुकाबला खेले के 5 विकेट है, हेड टू हेड में 1 मुकाबला खेले के 5 विकेट,
विकेट है। रिसेंट फॉर्म में 5 विकेट, फिर यहाँ पर से देखते हो 0 विकेट और साथ में 0 विकेट निकालते हुए देख रहे हैं। तो मैं बोलूंगा आप अपने टीम में अर्शदीप सिंह को क्लियर दे की लेकर के चलना है। अवेश खान को चाहते हो पिक करना तो पिक करके जा सकते हो, नहीं तो आपको जो लगता है जो आप अपने अनुसार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देख लो 8 विन में क्या रिकॉर्ड है, बैनों पर क्या रिकॉर्ड है, उसके बाद ही आप अपने टीम में लेकर के चलना। मुकेश कुमार के अकॉर्डिंग ऐसा है तो मुकेश कुमार 4 मुकाबला खेल करके 4 विकेट, फिर यहाँ पर से देख ले 8 विकेट में 1 मुकाबला खेल करके 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म में 0 विकेट 3 विकेट, फिर यहाँ पर से 0 विकेट और 1 विकेट निकाले। बैंस प्लेयर में देखो यहाँ पर से युजवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर, फिर यहाँ पर से आकाशदीप, जो कि कुछ इस प्रकार से बैंस प्लेयर्स रहने वाला। अब प्लेयर्स बैटल की बात कर ले तो सबसे पहले प्लेयर्स बैटल हम लोग देखेंगे किसका, ऋतुराज गायकवाड़ का, तबरेज शमसी के सामने 3 बॉल खेले करके 1 रन 1 बार विकेट, फिर यहाँ पर से एम मुल्लर के सामने 7 बॉल खेले करके 4 रन और साथ में 1 बार विकेट फेंके। फिर के एल राहुल की बात करें तो तबरेज शमसी के सामने 14 बॉल खेले करके 10 रन 1 बार विकेट फेंके। एडम मार्करम के सामने 35 बॉल खेले करके 24 रन बनाए, साथ में यहाँ पर से 1 बार विकेट फेंके। अब देख लेते कि फाइनली मैंने अपना टीम का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनाया। विकेट कीपर में बात करें तो मैं अपने टीम में संजू सैमसन को पिक करके चल रहा हूं, साथ में यहां पर से केएल राहुल। अब संजू सैमसन की जगह पर आप अपने टीम में हैंडी क्लासन को पिक कर देना, आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। बैटिंग से बात करें तो यहां पर से हैंड्रिक्स को मैं अपनी टीम में लिया हूँ, रिजा हैंड्रिक्स, फिर यहाँ पर से राशि वेंडर दूसन, ऋतुराज गायकवाड, साई सुदर्शन को टीम में पिक किया हूँ, और लॉन्डर्स में एडम मार्करम, फिर यहाँ पर से मुल्डर। बॉलिंग में बात करें अवेश खान, कुलदीप यादव और साथ में अर्शदीप सिंह को पिक किया हूँ। अब देखो अवेश खान की जगह पर मैं आपको बोलूंगा कि आप अपने टीम में एंडिल फ्लेकवायो को भी पिक करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे देखो इसमें कैप्टन की तो मैं अपनी टीम का जो कैप्टन पिक किया हूँ, एडम मार्करम को कैप्टन और वाइस कैप्टन, ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन पिक किया हूँ। देखो यहाँ पर से कैप्टन चेंज करने की काफी ज्यादा चांसेस है। अब ये जो कैप्टन देख रहे हो, ये जो कैप्टन मैं जो चेंज करूंगा, फाइनल कैप्टन हो या वाइस कैप्टन हो या इस टीम में जो भी चेंज आएगा, जो भी चेंजेस आएगा टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूं मेरा जो फाइनल टीम बनता है टॉस होने के बाद टेलीग्राम चैनल पर ही बनता है। तो आज आओ इस वीडियो के बाद आप लोगों से मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पर ही, और भाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के लिए लाइक कर देना, और इसी प्रकार से चाहते हो इन्फॉर्मेशन का वीडियो देखना, प्रेडिक्शन का वीडियो देखना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ओपन करके रखना, ताकि आने वाला जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ सभी लोग।